अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हमारे पास डिवाइस है सोनी एक्सपीरिया 1, स्नैपड्रैगन 855 है। 6 GB की रैम है इसकी और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। 6.5 इंच का डिस्प्ले है इसका। एमोलेड LCD है और तकरीबन 12 और 14 और फिर 12 मेगापिक्सल के कैमराज हैं इसमें, जो 3 कैमराज हैं इनका सेटअप है। ठीक है जी, टाइप सी है, हैंड फ्री नहीं सपोर्टेड है 3.5, तो मोटी मोटी नज़र मार लेते हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस जो भी है सोनी एक्सपीरिया 1 की। ठीक है जी, हार्डवेयर 855 और ये इसके पिक्सल और हर चीज़ जो है मेंशन है इसमें। ठीक है जी, बैटरी इसकी 3200 mAh है और नॉन पीटी डिवाइस है ये इसके मुख्तलिफ कैमराज हैं। ठीक है जी, मेन कैमरा 13.8, 8.3 का फ्रंट कैमरा है और ये टेलीफोटो लेंस वगैरह सारी तफसील जो है वो आपके सामने है इसकी। ठीक है जी, 14.3 सेंसर जो हैं वो भी देख लें आप इसके। ये सेंसर्स हैं, क्लियर सेंसर्स हैं तमाम। बेसिकली इसके पबजी के ग्राफिक्स चेक करने हैं हमने कि एक पबजी भी क्या ग्राफिक्स देता है ये, तो चेक कर लेते हैं पबजी के ग्राफिक्स। अच्छा जी गाइस, पबजी हमने इंस्टॉल कर ली है और आज हमने रिक्वेस्ट किया एक पबजी प्लेयर से कि वो प्लीज़ हमारी वीडियो में आएँ और रौनक बख्शें। तो ये पबजी प्लेयर देख लें जी, ये पबजी प्लेयर हैं। तो चेक करते हैं हम सोनी एक्सपीरिया 1 के क्या ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक्स सोनी एक्सपीरिया 1 के हम चेक करेंगे। ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं जी पबजी के। तो ये स्मूथ पे एक्सट्रीम आ रहा है और बैलेंस पे भी एक्सट्रीम है, एचडी पे भी एक्सट्रीम है जी, और एचडीआर पे भी एक्सट्रीम है। अल्ट्रा एचडी कह रहा है कि डाउनलोड करें लॉबी में जाके, तो अल्ट्रा एचडी 4K की जो सेटिंग है उसको सपोर्ट करता है ये। कैमरा का इसका देख लेते हैं जी, फ्रंट कैमरे का क्या रिजल्ट है। तो ये देखिए जी फ्रंट कैमरे का रिजल्ट, ये देखें जी इसके बैक कैमरे का रिजल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सोनी एक्सपीरिया X1 का रिव्यू था। बिल्कुल स्मूथ है इसका, काफ़ी बेहतर और अच्छा फ्रेम रेट आ रहा है इसमें, कोई मतलब शेकी और लैगिंग नहीं आ रही किसी किस्म की। जैरो की सेटिंग भी हम चेक कर लेते हैं इसमें, तो ऑन करते हैं जी जैरो को, चेक करते हैं। जैरो भी इसमें माशाल्लाह ठीक वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी इसकी जो ग्रिप है ना, हैंड की ग्रिप, वो काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसकी LCD जो है वो लंबाई में काफ़ी बड़ी है 6.5, तो एक तरह से तो मतलब डिस्प्ले थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है। चौड़ाई में शायद कुछ लोगों को इसकी LCD थोड़ी कम लगे, लेकिन लंबाई में इसकी LCD ठीक है। और थैंक यू जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।